नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, सिटी वेब न्यूज में आपका स्वागत है और आपके लिए पेश है आज के कुछ खास समाचार फटाफट न्यूज में। सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी ने घर से गायब हुई तीन नाबालिग बच्चों की सकुशल बरामदगी में मदद करने वाले कक्षा 10 के 14 वर्षीय छात्र मोहम्मद अली को मुख्यालय बुलाकर सम्मानित किया। इस छोटे बच्चे की वजह से नकुड़ में सरसावा पुलिस ने बेहतरीन वर्कआउट किया था। सहारनपुर के सर्किट हाउस सभागार में पंचायती राज व लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर की ओर से स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत फतेहपुर गुज्जर गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र निम ने लोगों को पौधारोपण के लिए किया जागरूक। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गंगो विधानसभा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि पंचायती राज राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी व प्रदेश मंत्री वाईपी सिंह मौजूद रहे। 20 अगस्त को मंडली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए देहरादून रोड स्थित छात्रावास में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। नाजिरपुरा स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में वार्ड 39 के पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने 61 बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म तथा पुस्तकों का वितरण किया। इस दौरान बच्चों को खेल सामग्री भी वितरित की गयी। सिटी वैब न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी ने घर से गायब हुई तीन नाबालिग बच्चियों की सकुशल बरामदगी में मदद करने वाले कक्षा 10 के 14 वर्षीय छात्र मोहम्मद अली को मुख्यालय बुलाकर सम्मानित किया। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि इस बच्चे ने गांव के बाहर बच्चियों को किसी रिक्शा में बैठे देख लिया, पहचान कर पुलिस को सूचना दी तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज पेश किया। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बच्चे को शाबाशी दी और उन लोगों से अपील करते हुए छोटे बालक से प्रेरणा लेने को कहा। थाना नकुड़ क्षेत्र में चंद्रपाल केड़ी में तीन नाबालिग बच्चियां अपने घर से निकल गई। उनके मन में यह था कि अंबाला जाने का विचार था। तीनों नाबालिग बच्चियां सब 12-13 साल की कम उम्र के हैं और 100 नंबर की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। बच्चियों की गार्डियन से बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी तत्काल लड़कियाँ गायब हुई घर से, तो इसी सूचना पर पुलिस हरकत में आई है और लास्ट लोकेशन के अनुसार उनका अगवान हेड़ा आया था सरसावा थाना क्षेत्र में। तब इंस्पेक्टर नकुड़ और एसओ सरसावा दोनों जॉइंटली वहां पे तलाश करने गए थे तत्काल। वहां पे एक 10th स्टैंडर्ड पढ़ने वाला बच्चा, जो ये आपके सामने है अनस, इन्होंने पुलिस के टीम के साथ पूरी सहयोग किया। उन्होंने जहाँ जहाँ बच्चियाँ गए हैं, जो इन्होंने देखा है, उस लास्ट लोकेशन से टीम को आगे से इन्होंने सूचना देते हुए साथ में लग के बच्चियों की बरामद करने में पुलिस को मदद किया। ये जो इस बच्चे के मदद से तीनों नाबालिग बच्चियां सकुशल बरामद हुए हैं, इसलिए मैंने आज इनको सम्मान करने के लिए मैं बुलाया हूं। इस 13 साल के बच्चे के वजह से तीन बच्चियों सकुशल अपने घर वापस लौट पाया। इस बात को लेके सभी जो मानव वर्ग है, जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट्स है, ये प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को दूसरे इंसान की मदद है तो आगे आके पुलिस को सहयोग करना चाहिए। और इसी क्रम में मैं इस बच्चे को प्रशस्ति पत्र भी दे रहा हूं और इनके पिताजी को भी शाबाशी दे रहा हूं, ऐसे एक जिम्मेदार बच्चा उन्होंने पाला है। और पत्रकार साथियों से यही निवेदन है, इन बच्चों के अच्छा काम सभी युवा वर्गों के बीच में जाएं ताकि वो लोग भी प्रेरित हों कि समाज के लिए कुछ अच्छा करें। 20 अगस्त को मंडली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए देहरादून रोड स्थित छात्रावास में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह अंबेडकर ने कहा कि समिति 10 वर्षों से समाज के हक के लिए 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह अंबेडकर ने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार उनकी इन संवैधानिक मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आरक्षण को कानून बनाकर प्रोनितियों में आरक्षण देने की बाबत केंद्र व राज्य की सरकारें चुप हैं। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष साधुराम अंबेडकर व संचालन एसडी गौतम ने किया। इस मौके पर रविंदर सिंह, गौतम सिंह, इसम सिंह, रवि कुमार, पंकज कुमार, रणधीर आदि मौजूद रहे। मेरा नाम साधुराम है, मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। और ये जो मीटिंग हुई आज 20 अगस्त के लिए, एक यहाँ मंडली सम्मेलन होगा, उसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली तक के कार्यकर्ता पदाधिकारी आएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा।
सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गंगो विधानसभा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि पंचायत राज राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी व प्रदेश मंत्री वाईपी सिंह मौजूद रहे। पंचायती राज राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सभी मंडल अध्यक्ष सेक्टर प्रभारियों व संयोजकों बूथ की संरचना के बारे में जानकारी देते हुए बूथों को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपना बूथ जिताओ अभियान के तहत अनेक जानकारियां दी। सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक सदस्य बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विजेंद्र कश्यप, सांसद प्रदीप चौधरी, मेयर संजीव वालिया, विधायक ब्रजेश पुंडीर, विधायक देवेंद्र निम, महामंत्री अजीत राणा, पवन सवी, प्रमोद कौशिक, जिला मीडिया प्रभारी विपिन चौधरी, जिला उपाध्यक्ष शिवराज, जिला मंत्री गौरव राणा, मांगेराम सैनी, मुकेश चौधरी, पवन सिंह राठौर, नक्षत्रपाल, रविंद्र मेहरा, अनिल प्रमुख आदि सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर की ओर से स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत फतेहपुर गुज्जर गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र निम ने लोगों को पौधारोपण के लिए किया जागरूक। वृक्षारोपण कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक अमित कुमार सैनी, पिछड़ा मोर्चा महानगर अध्यक्ष सुनील पवार, महानगर मंत्री अंकित चौधरी, सत्यपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष घनश्याम चौधरी, मनोज चौधरी, शुभम चौधरी, दीपक चौधरी, अमित चौधरी, विनोद चौधरी, रोहित चौधरी आदि सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन सहारनपुर की ओर से फतेहपुर गुज्जर गांव में कैंप लगाया गया तथा लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक किया गया तथा गांव ग्रामवासियों के साथ मिलकर पेड़ लगाए गए। नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर की ओर से स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत फतेहपुर गुज्जर गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र निम ने लोगों को पौधारोपण के लिए किया जागरूक। पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखें तथा इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। पार्षद ने बच्चों को पौधारोपण के महत्व भी बताए। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के अलावा विशाल देव शर्मा, राजकुमार शर्मा, विक्रम सिंह, रूबी, रमेश चंद आदि लोग उपस्थित रहे। सिटी वैन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।